फर्स्ट सवाल बन गया। किसी को पूछना है? फर्स्ट देखना है किसी को बच्चे? यस। देखो ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, ये देखो। बोलो बच्चे। यस सर। कैसा? अब ये देखो कि टेन जो है, यहाँ देखो टेन थ्री पाई से बड़ा है ना बच्चे? तो ये पॉइंट है थ्री पाई का, तो ये उससे बड़ा है, तो टेन यहाँ है, तो कौन सी वैल्यू है? इस लाइन पे लाइक करेगा, इस लाइन पे। अब ये लाइन की इक्वेशन क्या है? थ्री पाई माइनस एक्स। ये तो नहीं पूछना है ना, ये तो निकालने सिखा दिए थे। बोलो बच्चे। Yes, sir. तो साइन इनवर्स साइन टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री पाई माइनस टेन। क्लियर हो गया आंसर? बोलो। यस यस सर। लिख लिया सब लोग? दूसरा सवाल बनाओगे बच्चे? फाइव क्या है? थ्री पाई बाई टू से बड़ा है ना बच्चे? बोलो। यस। ये देखो ये वैल्यू है थ्री पाई बाई टू का, है ना? थ्री पाई बाई टू से बड़ा, तो फाइव यहां होगा। थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ग्राफ, ये देखो। ये कुछ है ग्राफ, क्लियर बच्चे? ये देखो पाई बाई टू है और ये थ्री पाई बाई टू है, तो फाइव तो यहां पे आएगा ना बच्चे कहीं,
बोलो। यस सर। अब देखो फाइव यहां आया, यानी ये किस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे, और इस लाइन को देखो ये पाई है और ये टू पाई है, एक्स को टू पाई पे और वाई को माइनस टू पाई पे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू पाई, यानी वाई क्या हो गया बच्चे, एक्स माइनस टू पाई। इसमें कोई समस्या है? नो सर। तो अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन फाइव क्या हो जाएगा बच्चे, फाइव माइनस टू पाई, एक्स के जगह पे क्या है, फाइव है, फाइव माइनस टू पाई आंसर। समझ आया बच्चे? यस। किसी को दिक्कत समझने में? सर फिर से बताना। फिर से बताना, चलो जी कोई बात नहीं। देखो फाइव जो है इसकी वैल्यू है थ्री पाई बाई टू से बड़ा, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना। अब हमें ग्राफ बनाना है साइन इनवर्स साइन एक्स का। ये ग्राफ है ना साइन इनवर्स साइन एक्स का, बोलो बच्चे, बोलो। यस सर। ये पॉइंट है पाई बाई टू, ये पॉइंट है थ्री पाई बाई टू, और ये पॉइंट है टू पाई, और ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट है पाई बाय टू, ये पॉइंट है जीरो। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब ये जो देखो फाइव जो है थ्री पाई बाय टू से बड़ा है, तो फाइव कहीं यहां पे होगा, दिख रहा है? दिखा? यस सर। तो यहां पे है, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालो तो किस लाइन पे आकर के मीट कर रहा है, इस लाइन पे। तो इस लाइन की इक्वेशन देखनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन देखने के लिए x को 2 पाई पे, तो y को माइनस टू पे कट किया, तो x बाई टू पाई प्लस y बाय माइनस टू पाई इज इक्वल टू वन इक्वेशन होगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू टू पाई, यानी इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई। इसमें कोई दिक्कत बच्चे? नो सर। तो इस लाइन में साइन इनवर्स साइन एक्स इस रीजन में क्या हो गई, एक्स माइनस टू पाई। तो साइन इनवर्स साइन फाइव क्या होगा बच्चे, फाइव माइनस टू पाई। क्लियर हुआ? यस सर। समझ आया सर? आ गया। लिख लिया बच्चे? सर हो गया। कॉस इनवर्स कॉस टेन बनाएगा?
बता दूं क्या बच्चे? सर दो मिनट, सर आंसर बता दो उसका। आंसर तो नहीं मालूम, बना के दिखाऊं क्या बच्चे? सर बना दो आंसर, बता दूं। 4π-10 होगा ना? अभी पता नहीं बच्चे। यस सर 4π-10। इंशाल्लाह देखते हैं। देखो cos इनवर्स cos 10 यही है ना बच्चे? बोलो ये किसका ग्राफ है? cos इनवर्स, ये 2π है, ये 3π है, ये 4π है। तो 10 जो है बच्चे याद होगा, 10 कहीं यहां है ना, 3π से ज्यादा। 10 क्या है? ग्रेटर देन 3π है ना बच्चे? बोलो। यस यस। 10 3π से ज्यादा, तो यहां तो किस लाइन पे एक्टिव हो जाएगा? इस पे। और इस लाइन की इक्वेशन कैसे है? एक्स को 4π पे, तो वाई को 4π पे। एक्स प्लस वाई हो गया 4π, तो y क्या हो जाएगा बच्चे? 4π-x। समझ गए? Therefore cos inverse cos 10 क्या हो जाएगा? 4π-10। क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं कैसे बनाते हैं? सर आ रहा है। बहुत आसान है। लिख लिया बच्चे सब लोग? Yes. बोर्ड पे पढ़ाऊं कि ऐसे? ठीक है सर, बोर्ड पे ही करा दो। बोर्ड पे पढ़ाऊं? यस सर। ऐसे नहीं ठीक लग रहा है सर? ठीक है ऐसे भी। ठीक है सर ऐसे भी। बन गया बच्चे? यस सर। इसमें बताना आसान होता है और ब्लर भी नहीं होता है। ब्लर में आधा घंटा तो टाइम वही ठीक करने में हमको लग जाता है। बच्चे चौथा सवाल बनाओ, फोर्थ नंबर। 10 inverse 10-6। ये बात समझ गए बच्चे? अब बन जाएगा देखो। तो यस सर।
यहाँ तक समझ गए बच्चे? यस सर। माइनस सिक्स कहीं यहाँ पे होगा? बोलो बच्चे। यस सर। इस लाइन पे एक्टिव हो गया, हो गया ना? यस सर। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? x को माइनस टू पाई पे और y को टू पाई पे, तो क्या हो जाएगा बच्चे इक्वेशन? y माइनस एक्स इज इक्वल टू टू पाई, यानी y इज इक्वल टू टू पाई प्लस एक्स, होगा ना बच्चे? बोलो। यस सर। टेन माइनस सिक्स क्या हो जाएगा? टू पाई प्लस एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स है, यानी टू पाई माइनस सिक्स। क्लियर हो गया आंसर? बोलो बच्चे। अमरुल्ला साले बोलो। यस सर। ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं बच्चे? सर आ रहा है सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो कुछ तो आ रहा है। बच्चे मिटा दूं इसको? जी सर। यस। अब एक चीज देखो, साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, और यहां एक्स क्या होता है बच्चे? माइनस वन से वन के बीच में। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ओ जी कॉस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होता है। डोमेन क्या होता है बच्चे? माइनस वन से वन। तीसरा याद होगा, हम ग्राफ बना के दिखाए भी थे, हम रिकॉल कर रहे हैं, टेन टेन इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होता है, होता है ना बच्चे? एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल नंबर। चौथा कॉट कॉट इनवर्स एक्स, ये भी हर समय एक्स होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। पांचवा सेक सेक इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होता है, लेकिन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी, ये सब बताया हुआ था। छठा कॉसेक कॉसेक इनवर्स x, ये भी x होता है, और x बिलोंग्स टू माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। इसमें कोई दिक्कत बच्चे? नो सर। ये ग्राफ हमने पिछले क्लास में बताए थे,
बताए थे ना बच्चे? यस सर। इसको आगे बढ़ा दूं, लिख लिया सब लोग? यस सर। अब देखो बच्चे इस पे सवाल कैसा होता है। जिसे सवाल देगा साइन साइन इनवर्स 5/13 कितना हो जाएगा बच्चे? 5/13। समझ गए आंसर? यस सर। अब इस टाइप का सवाल बना लेगा ना? बना लेंगे। चलो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला साइन कॉस इनवर्स 4/5, दूसरा साइन टेन इनवर्स 15/8, तीसरा साइन कॉट इनवर्स 4/3, चौथा साइन सेक इनवर्स 17/15, पांचवा साइन कॉसेक इनवर्स 17/8। बना लोगे बच्चे? यस सर। बनाओ। फॉर्मूले देख लिए ना बच्चे? बच्चे एक क्वेश्चन बता दूं क्या? बन गए सारे? बन गए? यस सर। कॉस फर्स्ट का आंसर बता दो। हाँ जी हाँ जी, बस बता देते हैं जी, हमको पता है। जैसे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो इस सवाल को कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो कॉस इनवर्स 4/5 है ना, इसका मतलब एक ट्रायंगल बनाओ। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 4 है और ये 5 है। पाइथागोरस से ये क्या निकल गया बच्चे? 3। तो इसको साइन इनवर्स में यदि कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा इसमें? दिस मच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। समझे बच्चे? यस सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 के जगह पे साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 लिखेंगे और ये क्या बन जाएगा बच्चे?
थ्री बाई फाइव। समझ आया? यस सर। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई मसला है इसमें? नो सर। इस बार हम बहुत बेसिक से सोचे हैं पढ़ाने का, एकदम जीरो लेवल से। क्या फील नहीं हो रही है तुम लोग को? यस सर। तो फायदा हो रहा है कि कुछ घाटा हो रहा है, बोलो सर? फायदा हो रहा है सर। इस बार हमारा उद्देश्य है कि हम सबको समझा लें। काफी चीजें जो मान लो कि स्किप कर जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, यार ये कहां से आ गया, ये कहां से। अब सब चीज बताने का कोशिश में है, जो फॉर्मूला जो कंडीशन जो यूज हो रहा है सब कोशिश में है कि बता दें। चलो दूसरा में किसी को परेशानी बच्चे? नो सर। तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी में किसी को दिक्कत बच्चे? नो सर। नो सर। पक्का नहीं दिक्कत है? फिर आगे क्वेश्चन लिख दूं तब? यस सर। सारे क्वेश्चन बन गए? चलो जी। यस सर। सारे क्वेश्चन बन गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आगे निजात पाते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है बच्चे? बनाओ बच्चे। फर्स्ट बता दूं क्या बच्चे? बन गया। आंसर बता दो। आंसर बता दूं? आंसर तो हमें पता नहीं, बता देते हैं, क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना बच्चे? यस सर। जैसे कॉट इनवर्स एक्स दिया है, इसका मतलब होता है कॉट थीटा होता है बी बाय पी, तो बेस है एक्स और हाइपोटेनियस है वन, ये परपेंडिकुलर है वन, तो ये क्या हो गया, वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना बच्चे? यस सर। तो कॉट इनवर्स एक्स यदि थीटा है तो एक्स क्या हो गया बच्चे, कॉट थीटा। यस। अब इसको साइन में, चलो इसमें इससे बढ़िया ये है, यहां देखो ये बना लिए ना, तो कॉट इनवर्स एक्स को साइन में बदलते हैं, तो साइन इनवर्स में जब जाएगा ना, साइन बराबर पी बाय एच होता है, तो क्या हो जाएगा, वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोई मसला है बच्चे? बोलो, यहाँ वन है परपेंडिकुलर। नो सर। हाइपोटेनियस, यहाँ पे कोई दिक्कत है? नो सर। तो आप देखो साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा बच्चे, वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत है? नो सर। दूसरा सवाल बन गया बच्चे? यस सर। बोलो। दूसरा बता दूं क्या? नो सर। दूसरा द आंसर की आया बच्चे? सेम ही है। यही सेम आंसर आएगा? यस सर। तीसरा बता दूं बच्चे? कर रहे हैं सर। तीसरा बता दूं बच्चे? सर कर रहे हैं।
तीसरा बन गया बच्चे सबका? यस सर। किसी को पूछना भी है? नो सर। सब लोग बना लिया? बोलो बच्चे। कोई नहीं बोल रहा है? बना लिया सर। यस सर। तो नेक्स्ट सवाल लिख दूं? यस सर। सबको समझ आ रहा है ना बच्चे? यस सर। हाँ जी सर। इनवर्स इजी है कि हार्ड है? सर इजी। मीडियम है। बनाएगा बच्चे? यस सर। कोशिश करो। हमारा इस बार का उद्देश्य है कि नवंबर में तुम लोग को एग्जाम हो रहा है ना? यस सर। कौन कौन सा चैप्टर होगा पहले नाम लिखाओ तो हमको बताओ। पहला आईटी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा बोलो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, तीसरा फंक्शन, चौथा रिलेशंस, रिलेशनल फंक्शन। चलो आ गया आगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलो ये भी आ गया, आगे लिमिट तो है ही नहीं इस साल। एओडी पांचवा एओडी, हाँ, और एलपीपी छठा एलपीपी, और बस। तो देखो बच्चे ये हम चल रहे हैं अगस्त में, ठीक है? हम ना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं इसी चैप्टर का, क्योंकि कहीं कोरोना बाबा आ गया तो नवंबर पे ही तेरे रिजल्ट बन जाने हैं, समझ रहे हो ना? यस सर। तो हम लोग एकदम बढ़िया से मतलब जो है ना कि इस एरिया को अब समझ में आया क्यों रिपीटेशन हम कर दिए? यस सर। पिछली बार हम थोड़े मतलब स्पीड में भागे थे, इस बार एकदम एक एक सवाल बना के चल रहे हैं। और तुम लोग भी कोशिश यही करो कि स्कूल वाला आदि शर्मा एक एक सवाल लगाओ। आदि शर्मा जो है स्कूल वाला, उसका एग्जाम्पल और प्लस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है ना लगाओ। और जो इसमें डाउट बने, चाहे कोई भी डाउट बने, ठीक है? त्रिकुटा नगर में हम प्रेजेंट रहते हैं हर दिन एक्सेप्ट संडे, मंडे और वेंसडे, ये तीन दिन हम त्रिकुटा नगर में अब्सेंट रहते हैं। और मंडे और वेंसडे में रहते हैं हम लोग फ्लोरा में, समझ गए बच्चे? यस सर। तो फ्लोरा के आसपास जो है वो मंडे वेंसडे बच्चे आ जाएंगे डाउट के लिए, और ये त्रिकुटा नगर में संडे मंडे वेंसडे के अलावा जो भी दिन है आ जाएंगे। टाइमिंग विल बी फॉर त्रिकुटा नगर 11:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, ठीक है? फॉर फ्लोरा 12 बजे से 1:30 बजे तक, चलो 2 बजे तक, ठीक है बच्चे? बोलो। यस सर। तो हमारा मेन फोकस ये रहना चाहिए कि नवंबर का एग्जाम में हमें, देखो आईटी का एग्जाम तो जनवरी में होगा, पहले बोर्ड का एग्जाम नवंबर में है, तो हम यदि इस चैप्टर को, हमारी सिलेबस का लेकर के कोई पंगा तो है नहीं, सिलेबस तो हमने खत्म कर ही रखे हैं, बोलो है कि नहीं? नवंबर तक हम लोग बोर्ड को फोकस करके यदि बढ़ जाते हैं, पहले एक राउंड बोर्ड का एग्जाम के हिसाब से यदि अपने आप को तैयार कर लें, तो फिर क्या होगा कि बोर्ड से यदि मान लो आधा सिलेबस प्रिपरेशन हो गया, तो फिर नवंबर से जनवरी का जो टाइम आएगा ना 2 महीने,
है ना, उसमें हम आईटी के लिए फोकस कर जाएंगे फिर से, समझ रहे हो। और फिर जनवरी में जैसे ही आईटी का एग्जाम खत्म होगा फिर हम बोर्ड के लिए चैप्टर को टारगेट कर देंगे। कैसा प्लानिंग है? अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, लगता है प्लानिंग अच्छा नहीं है सर। चलो क्वेश्चन बनाओ, किसी को अच्छा नहीं लगा लगता है। मास्टर सर तब, लेकिन बच्चा देखो पहले 65, 67, 70 तक आता था ना, मस्त है तो कहाँ चला गया, देखो और घट ही गया रिवीजन में। देखा ना? यस सर। वो लोग चाहता है कि रिवीजन ना हो, आगे ही पढ़ा दे, पढ़ के क्या करेगा भाई, हैं? छोड़ो जिसको नहीं आना, उसको बताते नहीं हो तुम लोग की मजा आ रहा है पढ़ने में। तुमको बताया ऑलरेडी क्लास में आते हो क्या? जो नहीं आता है उसको भी बताओ बच्चे। बता दूं क्या ये सवाल बच्चे? बन गया सर, हो गया, पक्का हो गया, आंसर बता दोगे? 63/65 एक मिनट निकालने दो, कहां चला गया आंसर रे बाबा। इस बार बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे हम एकदम, नहीं समझा? यही जितना चैप्टर है ना नवंबर तक यही लपेटेंगे हम। हमको सिलेबस का थोड़ी टेंशन है कि तुम्हारा सिलेबस छूट जाएगा या नहीं कंप्लीट होगा। बोलो, सिलेबस का तो हमको पंगा ही नहीं है। चला गया। आंसर 63/65 आया है बच्चे? यस सर। किसी को पूछना है? नो सर। तो फिर अगला सवाल लिख दूं? यस सर। देखो बच्चे अगला सवाल, कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स वन, ठीक है बच्चे, बनाओ। और जिससे फर्स्ट नहीं बना वो देखो। साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चे, चलो टैन इनवर्स के आगे क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में? वन
बन गया बच्चे? किसी को दिक्कत? सेकंड का आंसर बता दो। सर सेकंड वाला बता। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। टेन थीटा वन कब होता है? पाई बाय फोर पे होता है बच्चे। यस सर। तो एक चीज बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉस पाई बाय फोर। यस सर। कॉस फाइव बाय फोर कितना होता है? वन बाय रूट टू। कॉट इनवर्स वन बाय रूट टू। बोलो। यस सर आ गया। तो कॉस्ट इनवर्स वन बाय रूट टू आ गया बच्चे। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? यहां देखो क्या हो गया। कॉट इनवर्स वन बाय रूट टू का वैल्यू निकालना है। ये देखो यही है ना बच्चे। अच्छा आगे साइन भी है, एक आगे साइन भी है। ओहो आधा ही क्वेश्चन लिखे थे, साइन भी है यहाँ आगे। चलो यहीं तक आंसर छोड़ दो। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। आधा ही क्वेश्चन लिखे थे इसलिए यहीं तक आंसर रहेगा। सर एक मिनट ऊपर वाला बता लो। कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाला, चलो सेकंड वाला पूरा क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन आधा ही लिखे थे इसलिए आधा ही आंसर पे छोड़ दिए। क्वेश्चन है बच्चे साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स वन। ठीक है बच्चे? यस सर। तो इसको लिखेंगे साइन कॉट इनवर्स कॉस पाई बाय फोर। बोलो। टेन इनवर्स वन होता है पाई बाय फोर। कोई दिक्कत बच्चे? नो सर। इसको लिखेंगे साइन कॉट इनवर्स वन बाय रूट टू। बोलो बच्चे। बोलो। यस सर। कॉस पाई बाय फोर कितना होता है बच्चों? सर वो कॉट है, कॉस नहीं है। वो अपने वन वन परपेंडिकुलर और बेस पे। सर वो रूट टू परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर रूट टू बेस, वही बेस और वो परपेंडिकुलर है। बेस वन है ना? यस सर। पर रूट टू परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है रूट टू। कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू। अच्छा हाँ तो कॉट है। सही बात, परपेंडिकुलर है ना।
ये क्या हो जाएगा रूट थ्री। ठीक है बच्चे, तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर क्या है, रूट अंडर टू बाई थ्री। आंसर क्या आ जाएगा, रूट अंडर टू बाई थ्री। आंसर आया बच्चे? यस सर। किसी को समझने में दिक्कत? नो सर। मिटा दूं? यस सर। तुम लोग चैप्टर बनाना शुरू किया कि नहीं? जो जो एक्सरसाइज कंप्लीट होते जा रहा है बच्चे घर में बनाना। ओके सर। अल्लाह हू अकबर। प्रूव दैट सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स थ्री इज इक्वल टू 15। कर लोगे बच्चे? यस सर। बन गया सर। किसी को पूछना है बच्चे? यस सर। देखो बच्चे, इसको सेक में बदलना है तो टेन क्या है, टू वन रूट फाइव। तो सेक इनवर्स में क्या लिखेंगे इसको, सेक होता है एच बाई बी, रूट फाइव हो गया। हो गया ना बच्चे? यस सर। अब देखो, कॉट जो है वो है थ्री बाई वन, तो ये क्या हो गया, रूट टेन। ठीक है ना बच्चे? बोलो। यस सर। तो कॉसेक इनवर्स में क्या लिखेंगे, रूट टेन लिखेंगे बच्चे? यस सर। यस सर। तो देखो, सेक सेक इनवर्स रूट फाइव हो गया, रूट फाइव। कॉसेक कॉसेक इनवर्स रूट टेन हो गया, रूट टेन। है ना बच्चे? तो अब सेक स्क्वायर सेक इनवर्स, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स क्या होता है पता है? यहां देखो, सेक सेक इनवर्स रूट फाइव होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया रूट फाइव द स्क्वायर, हो गया फाइव। और कॉसेक कॉसेक इनवर्स रूट टेन होल स्क्वायर क्या हो गया, रूट टेन द स्क्वायर, जे हो गया रूट टेन टेन। समझ गए बच्चे? देयरफोर सेक स्क्वायर
क्या है sec इनवर्स रूट फाइव हो गया प्लस cosec स्क्वायर cosec इनवर्स रूट टेन क्या हो गया बच्चे 5 + 10 = 15। किसी को दिक्कत बच्चों? नो सर। बोलो। नो सर। आगे क्वेश्चन दूं? यस सर। यस सर। देखो बच्चा लोग पढ़ के भाग गया, भागने लग गया, थक गया पढ़ते पढ़ते। नहीं नो सर। देखो ना वहां पे देखो ना प्रेजेंट बच्चे कितने हैं, घट गया और घट गया। कितना भी इजी बना के पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे पढ़ते रहते हैं, चैटिंग चलते रहता है मोबाइल पे उधर, है कि नहीं? कार्तिक नाम का लड़का को जानता है? Yes, sir. वो चैटिंग भी साथ साथ चलाता है। सर डिसेबल कर दो ना चैटिंग। अरे ये चैटिंग नहीं, वो मोबाइल से अपना बॉयफ्रेंड सबको चैट करता है। लक्ष्मी आई है? बन जाएगा बच्चे? यस सर। बन गया सर। दोनों बन गए बच्चे? यस सर। किसी को पूछना भी है बच्चों? सर पहला बता दो। क्या फर्स्ट बता दूं? यस सर। कोई बात नहीं बच्चे बताता हूं। जैसे देखो टेन इनवर्स को कॉस में ले जाना है तो टेन के लिए ये क्या हो गया, ये एक्स, ये वन, ये रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर हुआ ना बच्चे? यस सर। तो टेन इनवर्स को लिखते हैं कॉस इनवर्स, तो वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, हुआ कि नहीं? यस सर।
अब देखो इसको लिखेंगे साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे साइन कॉट इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो अब ये जो है ये क्या आ जाएगा, साइन कॉट इनवर्स वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा बच्चे? सर कर लेंगे आगे। अब कर लेगा? यस सर। गुस्सा तो नहीं हो गई? नो सर। दूसरा सवाल बता दूं? सर कर लेंगे। वो भी कर लेगा, चलो ठीक है। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत बच्चे? बोलो। नो सर। नो सर। बनाओ बच्चे। आंसर बता दो उसका। सर माइनस वन बाय टू आया इसका आंसर बच्चे। यस सर। हाँ बिल्कुल। बन गया सर। सबका आ गया? यस यस। किसी को पूछना है बच्चे? बोलो। नो सर। देखो भागने लग गया, अभी काफी टाइम है, यही सब आदत सही नहीं लगता है। गर्दन भी काट के दे दो नलायक को, साले पढ़ेंगे नहीं। फील कर लिया ना, इसीलिए हम भाव नहीं देते हैं क्लास में। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसीलिए हम भाव नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं है। आप बताओ कैसे पढ़ाया जाए? कोई नहीं भाई, कंटिन्यू।
बन जाएगा तालिबानी। मुल्ला उमर बन जाएगा। यस सर। कोशिश करो बच्चे। थ्री पॉइंट सेवन एट एक्सरसाइज तक हम कवर कर दिए इनवर्स का। एक्सरसाइज 3.8 तक बच्चे कोशिश करना बनाने का। ओके सर। सर फर्स्ट का 3/4 है। फर्स्ट का प्लस माइनस 3/4। हाँ ठीक है जी बच्चे। फर्स्ट किसी को पूछना है बच्चे? नो सर। ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बच्चे? यस सर आ रहा। सेकंड का आंसर बता दो। रूट 5 बाय कितना है? 3। सर फर्स्ट का बताना आंसर। 3/4 आया बच्चे? यस सर। तो सेकंड का क्या रूट 5/3 बोला? हो लिख लिया बच्चे? यस सर। यस सर। तो देखो होमवर्क में जो है ना, है ना, सॉल्व अप टू एक्सरसाइज 3.8, यहां तक की थ्योरी कंप्लीट है, ठीक है ना। सॉल्व अप टू एक्सरसाइज 3.8 फ्रॉम आदि शर्मा। समझे बच्चे? यस सर। एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल एंड एक्सरसाइज। है ना। और डाउट के लिए डे बता दिए हैं। डाउट आके क्लियर करो, ठीक है ना बच्चे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। बच्चे लोग भी जाना पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सर। सेकंड का आंसर क्या था? सर 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 रूट 5/3 बोलो बच्चे। सर ये नोट्स भेज देना सर ग्रुप में। हाँ कल भी भेज दिए थे। यस सर आज भी भेज। ओके जी।